हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं आप लोग के लिए एक मॉस्फेट एम्पलीफायर पर टॉपिक लेके आया हूँ कि मॉस्फेट एम्पलीफायर को कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मॉस्फेट एम्पलीफायर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। तो मॉस्फेट एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट को भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग मॉस्फेट की बात कर ही डालते हैं, तो एक IN स्टूडेंट को भी अच्छा खासा आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की अपनी चॉइस है, क्योंकि दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में IAS वगैरह में आप देखते हो तो कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है गेट में वर्षों में एक आधी बार ही आया, तो आपकी चॉइस है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं एकदम कंपलसरी नहीं बोलूँगा कि मॉस्फेट एम्पलीफायर आपको आना चाहिए, क्योंकि उतना ज़्यादा किसी को नीड नहीं होती कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एक IAS स्टूडेंट की बात करो, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर मैं मॉस्फेट एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो एक एम्पलीफायर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। एक एम्पलीफायर में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे डील करना है करके। तो ये टॉपिक देखने में हो सकता है टफ लगे, बट मेरे को नहीं, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपका आपको सोचना कैसे, आपका थॉट प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मॉस्फेट एम्पलीफायर है तो मैं कुछ कॉन्फिगरेशन लेता हूँ कि मॉस्फेट एम्पलीफायर में अगर कॉन्फिगरेशन ऐसा है तो फिर हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो सपोज करो एक मॉस्फेट एम्पलीफायर में ले रहा हूँ, ये एरो आपके पास जो है वो सोर्स टर्मिनल है, ये आपके पास कैपिटल RD, ये VDD, ये ग्राउंडेड किया है, दिस द S, ये ड्रेन टर्मिनल द गेट टर्मिनल, और ये V इनपुट, ये तो ये जो फिगर दिख रहा है आपके पास। और अगर इसमें मैं चाहूँ तो एक कैपेसिटर लगा के एक्सटर्नल लोड भी लगा सकता हूँ, एक्सटर्नल लोड, तो एक्सटर्नल लोड भी लगा रही है। तो एक्सटर्नल लोड कभी होगा कभी नहीं होगा, जस्ट आपको आइडिया रहना चाहिए। इस फिगर में हम इनपुट गेट में अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट ड्रेन से ले रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉमन सोर्स, ये द कॉमन सोर्स विदाउट RS, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो कॉमन सोर्स विदाउट RS मॉस्फेट एम्पलीफायर, कॉमन सोर्स विदाउट RS मॉस्फेट एम्पलीफायर, दिस द फर्स्ट कॉन्फिगरेशन इज द फिगर ए। तो आपको जस्ट अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि देखो कॉमन सोर्स विदाउट RS मॉस्फेट एम्पलीफायर है। तो ओवरऑल एम्पलीफायर में तीन टाइप की चीज़ें होती है, अगर मैं मॉस्फेट एम्पलीफायर की बात करूँ तो एक कॉमन सोर्स होगा, एक कॉमन ड्रेन होगा और एक कॉमन गेट होगा। मैं तीनों ही कॉन्फिगरेशन की बात अच्छे से कर देता हूँ पूरा वीडियो को। आप अगर आप मॉस्फेट एम्पलीफायर चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे से बने, तो आपको पूरा मेरा वीडियो देखना रहेगा। उसके बाद मैं कम्बेड में ना 5 क्वेश्चन दिया मॉस्फेट एम्पलीफायर के, अगर आप उस कम्बेड को अगर अटेम्प्ट नहीं किए हो तो मेरे मॉस्फेट एम्पलीफायर का वीडियो देखने के बाद उस कम्बेड को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मेरे को लगता है कि मॉस्फेट एम्पलीफायर का मेरा वीडियो और वो कम्बेड के जो 5 क्वेश्चन है मॉस्फेट एम्पलीफायर के, इतने में मेरे को लगता है कि आपको जो आइडिया होना चाहिए गेट के पेपर का, जैसे वो लोग नए क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, मेरे को लगता है इतने में आपका कवर हो सकता है। तो एक अच्छा खासा आप एक मॉस्फेट एम्पलीफायर पर कमांड कर सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि अच्छे से बात कर सकूं, तो मेरा पूरे वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिएगा मॉस्फेट एम्पलीफायर। उसके बाद आपका वर्कआउट क्या रहेगा, जो कम्बेट के मैं क्वेश्चन दिया हूं उस क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में जाके आंसर पोस्ट करेंगे या सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉमन सोर्स विदाउट RS मॉस्फेट एम्पलीफायर है। अब कॉमन सोर्स की जब हम बात करते हैं, दैट मीन्स द इनपुट जो होता है, जो सिग्नल अप्लाई करते हो गेट में अप्लाई करते हैं, आउटपुट ड्रेन से लेते, तो कॉमन सोर्स के ना दो फॉर्म होते हैं, कॉमन सोर्स विदाउट RS होता है और एक कॉमन सोर्स विद RS होता है। देखो जो विदाउट RS मॉस्फेट एम्पलीफायर अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इस फिगर को अगर मैं बात करूँगी, देखो ये फिगर है हमारे पास, दिस वन, ये एक एन चैनल आपके पास, एन चैनल ले रहा हूँ, एन चैनल मॉस्फेट एम्पलीफायर, और जो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैं RS भी ले लिया और उसके साथ पैरेलल में कैपेसिटेंस भी ले लिया, दिस वन, ये V इनपुट द गेट टर्मिनल सोर्स टर्मिनल RS है, और ये आपके पास ड्रेन, एक कैपेसिटर लगा दिए लोड में और एक एक्सटर्नल लोड भी लगा दिया, हमारी चॉइस है, दिस वन, ये RL, ये V0। अब अगर लग रहा होगा कि दो फिगर है, दो फिगर नहीं है, दोनों फिगर सेम, ये फिगर और फिगर बी में कोई डिफरेंस नहीं, ये भी कॉमन सोर्स विदाउट RS है, RS आपको दिख रहा है लेकिन वो कैपेसिटर के साथ लगा हुआ था, विदाउट RS मॉस्फेट एम्पलीफायर। इसका मतलब है कि जब भी कॉमन सोर्स विदाउट RS मॉस्फेट एम्पलीफायर होगा, दो में से एक पॉसिबिलिटी होगी, या तो RS नहीं दिया होगा या तो RS के साथ एक कैपेसिटर लगा होगा। बिकॉज जब भी हम एम्पलीफायर की बात करते हैं, जब भी AC एनालिसिस करते हैं किसी का भी, BJT, JFET, MOSFET का, जब भी हम AC एनालिसिस करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है इज मिनिमम, और अगर मैं आइडियली बात करूं तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस इज जीरो। इसका मतलब है जब भी आपको AC एनालिसिस करना होता है, कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड। जब भी हमको एक एम्पलीफायर एनालिसिस करना है,
एक एम्पलीफायर एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो, एम्पलीफायर एनालिसिस, एम्पलीफायर दैट मीन द एसी एनालिसिस, कोई भी बीजेटी हो, जे फेट हो, मॉसफेट हो, किसी में भी, तो आपको दो पॉइंट तो बहुत क्लियर रहना चाहिए एसी एनालिसिस में कि जितना भी डीसी सप्लाई है, डीसी जितना भी आपको दिख रहा है, जितना भी डीसी सप्लाई होगा सब ग्राउंड होगा क्योंकि आप एसी एनालिसिस कर रहे हो। और सेकंड चीज़ है कि कैपेसिटर को कैसे ट्रीट करना है, शॉर्ट सर्किट, बिकॉज कैपेसिटर का रिएक्टेंस अप्रॉक्सिमेटली जीरो, इज वेरी वेरी स्मॉल, तो कैपेसिटर सब शॉर्ट सर्किट होंगे। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे, यहाँ तो आपके पास सोर्स से ग्राउंड डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसके अंदर सोर्स ही ग्राउंड है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सोर्स और ग्राउंड किसमें आर एस है, बट जब मैं एसी एनालिसिस करूंगा तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, और ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस जगह से, तो सोर्स ग्राउंड बन जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू एसी एनालिसिस, विथ रिस्पेक्ट टू मॉस्फेट एम्पलीफायर, बोथ फिगर्स आर सेम, तो दोनों फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों फिगर में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो दोनों फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये मॉस्फेट एम्पलीफायर का मैं बात अगर करना चालू किया कि मॉस्फेट एम्पलीफायर में हमारे पास क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए, तो आपको कॉमन सोर्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए, आपको कॉमन ड्रेन का अच्छा आइडिया होना चाहिए, आपको कॉमन गेट का अच्छा आइडिया होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं ना सिर्फ कॉमन सोर्स में फोकस कर रहा हूँ और दोनों कॉन्फिगरेशन सेम है, तो दोनों फिर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं दोनों का डीसी एनालिसिस करूँ, और अगर मैं डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ तो विथ रिस्पेक्ट टू डीसी एनालिसिस बोथ फिगर्स आर डिफरेंट, क्यों, क्योंकि डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, और जब ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो यहाँ तो आरएस है ही नहीं, बट यहाँ पे आरएस है, इसका मतलब यहाँ पे अगर आरएस है तो कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो दोनों फिगर अलग अलग हो जाएंगे। तो जब भी आप डीसी एनालिसिस करते हो, डीसी एनालिसिस चाहे बीजेटी हो, चाहे जे फेट हो, चाहे मॉसफेट हो, सबसे पहले तो आप एसी सिग्नल को जीरो पुट कर देते हो, तो ये सुपर पोजिशन का स्टाइल है। क्या सुपर पोजिशन का स्टाइल है कि एसी सिग्नल जीरो, क्योंकि आप डीसी की बात कर रहे हो, जब एसी की बात कर रहे थे तो डीसी सिग्नल जीरो था, ऊपर से डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट होता है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है 1/ωC होता है, और ओमेगा की वैल्यू जैसे जीरो पुट की है क्योंकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो रिएक्टेंस इनफाइनाइट, इसका मतलब कैपेसिटर ओपन सर्किट है। तो जब भी आप बीजेटी, जे फेट, मॉसफेट किसी को भी डील कर रहे हैं, आजकल तो जे फेट हटा दिया गया सिलेबस से, तो बीजेटी बचा और मॉसफेट बचा, और दोनों में कंपेरिजन करूँ तो मॉसफेट ज़्यादा इजी कंपेयर टू बीजेटी एम्पलीफायर। बीजेटी एम्पलीफायर के तो बहुत सारे मेरे वीडियो भी है, अगर आप देखते होंगे यूट्यूब में तो बहुत सारे में तो दिया हूँ, बीजेटी एम्पलीफायर क्लासरूम के वीडियो भी दिया हूँ, मॉसफेट एम्पलीफायर के वीडियो से अलग से नहीं है, तो मैं बोला कि चलो मॉसफेट एम्पलीफायर आपके लिए डील कर देता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट डीसी और एसी एनालिसिस का आपका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, और आपके माइंड में बात होना चाहिए कि बोथ फिगर्स आर सेम विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीफायर, विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीफायर बोथ फिगर्स आर सेम, क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड होगा तो दोनों फिगर में कोई डिफरेंस नहीं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, बोथ फिगर्स आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू डीसी एनालिसिस। अगर मेरे को कोई बोले कि ड्रेन करंट फाइंड आउट करना है, कोई मेरे को बोले कि कुछ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फाइंड आउट करना है, जब मेरे को डीसी एनालिसिस करना होता है तो डीसी एनालिसिस मतलब कैलकुलेशन फॉर करंट एंड वोल्टेज, नॉर्मली बायसिंग एनालिसिस मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, एक ही तो करंट होता है मॉसफेट में, सिर्फ ड्रेन करंट, तो मॉसफेट एनालिसिस जो होता है वो बीजेटी एनालिसिस से भी ज्यादा आसान होता है। तो ठीक है, ये मैं सिंपल दो फिगर बनाया, और मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट हमको आइडिया रहना चाहिए कि जब हमें मॉसफेट एम्पलीफायर का डीसी एनालिसिस करते हैं और एसी एनालिसिस करते हैं, तो अभी तो हम डीसी एनालिसिस करने रहे, तो आपको एसी एनालिसिस पे बेस्ड में बात करने वाला हूँ। एक मॉसफेट एम्पलीफायर, एक मॉसफेट जो होता है वो एम्पलीफायर के समान कब बिहेव करता है, जब वो सैचुरेशन रीजन में होता है, जब वो सैचुरेशन रीजन में होता है, तो सैचुरेशन रीजन की कंडीशन होती है, एक तो आपके पास ना VGS की वैल्यू ना थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो होना चाहिए बेसिक, जब चैनल फॉर्म होता है, और फिर एक आपके पास VDS की वैल्यू ना ओवरड्राइव वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, VOV से ज़्यादा होना चाहिए। ओवरड्राइव वोल्टेज मतलब VGS माइनस VTH, ये आपके पास सेचुरेशन रीजन का कंडीशन होता है, इनकेस ऑफ सेचुरेशन रीजन ये कंडीशन होता है। और इस कंडीशन में अगर मैं बोलूँ कि ड्रेन करंट का फिगर कैसा होता है सेचुरेशन रीजन में, तो अगर आपको ये सब देखना है तो आप ना मेरे एक CMOS इन्वर्टर वाले वीडियो में जाएंगे, CMOS इन्वर्टर वाले वीडियो में जाएंगे तो आपको दिखेगा, वहाँ पे मैं NMOS और PMOS की बात किया हूँ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात किया हूँ, तो आपको फिर वहाँ पे अच्छा लगेगा कि एक NMOS और PMOS के बीच का डिफरेंस क्या होता है, मैं बहुत सारी बात किया हूँ। ये देखो आपके पास ये थ्रेशोल्ड, इधर VTH, ये और ID की वैल्यू मैं बोलूँ कि बताओ एक सेचुरेशन रीजन में, इधर कंडीशन ऑफ सेचुरेशन रीजन में ID की वैल्यू क्या होता है, तो ID की वैल्यू होता है KN, एक NMOS ट्रांजिस्टर की बात चल रही है, KN VGS - VTH का होल स्क्वायर, दिस वन। इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्कशन का पार्ट रहता है कि KN क्या है, तो अगर मैं KN ये लिख रहा हूं तो KN जो है वो μN CVX W/12 है, दिस वन KN, द प्रोसेस कंडक्शन पैरामीटर। बहुत सारे लोग ID की वैल्यू को ये लिखते हैं, आपके पास ID की वैल्यू को इधर KN/2 VGS - VTH होल स्क्वायर, ये ड्रेन करंट का इक्वेशन है इन MOSFET रीजन, ये भी सही है, लेकिन इस समय ना जो KN डिफाइंड है वो डिफाइंड है μN CVX W/L,
इसका मतलब है कि आपको थोड़ा केयर करना पड़ता है कि आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक वाला ऐसा यूज करता है, कोई टेक्स्ट बुक वाला ऐसा यूज करता है। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस कंडक्शन जो पैरामीटर है, जो कि अभी मैं एन चैनल मॉस्फेट की बात कर रहा हूँ, तो जो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्साइड का कैपेसिटेंस है और डब्ल्यू बाई एल का रेशियो है, डब्ल्यू बाई एल एस्पेक्ट जो रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो जो है, तो जो एस्पेक्ट रेशियो है डब्ल्यू बाई एल विड्थ बाई लेंथ का जो रेशियो होता है उस पर भी डिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि के एन ये वाला है कि ये वाला है। अगर ये वाला है तो बाहर के एन है और ये वाला के एन है तो ये आपके पास के एन बाई टू है। कुछ लोग के भी लिख देते हैं इसको, के एन को के भी लिख देते हैं इस जगह पे, दिस वन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको पता होना चाहिए कि सैचुरेशन रीजन में ड्रेन करंट का इक्वेशन क्या होता है। सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर मॉस्फेट एम्पलीफायर जो होता है वो एक एम्पलीफायर के समान बिहेव करता है जो मॉस्फेट होता है। तो उसके लिए गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू वीटीएच होना चाहिए, तभी तो चैनल फॉर्म होगा जो इन्वर्जन लेयर फॉर्म करते हैं आपके पास। तो वीजीएस की वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो होना चाहिए ये ओवर ड्राइव वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए अगर आप ऐसा सैचुरेशन रीजन चाहते हो तो। चलो मेरा डिस्कशन का पार्ट ये तो जस्ट बेसिक बताया ना कि एक सैचुरेशन रीजन के लिए बेसिक किसी को क्या पता होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इसको मॉस्फेट एम्पलीफायर के लिए अगर यूज कर रहे हो बहुत ही अच्छे फॉर्म में, अगर आप देख रहे हो कि एक मॉस्फेट एम्पलीफायर यूज करना है हमको, दोनों आपके पास जो फिगर बने हैं वो फिगर जो है वो है कॉमन सोर्स विदाउट आरएस मॉस्फेट एम्पलीफायर का फिगर। अब अगर मैं बोलूं कि आपको इक्विवेलेंट सर्किट वाइज क्या क्या पता होना चाहिए, तो पता है आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट वाइज एकदम ध्यान देते रहिएगा, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजीली आप हैंडल कर लोगे एक मॉस्फेट एम्पलीफायर को, और आपको लगेगा कि इतना आसान है एक मॉस्फेट एम्पलीफायर, इजीली हैंडल कर लोगे। ये जीएमवीजीएस है, ये आर नॉट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास सोर्स, ये सोर्स टर्मिनल होता है जिधर सोर्स, ये आपके पास ड्रेन टर्मिनल है जिधर ड्रेन, यहाँ से करंट आ रहा है आपके पास आईडी करंट, एक जो करंट होता है, और यहाँ पे ड्रेन टू अगर मैं बोलूँ कि ग्राउंड कितना, तो एक एक्सटर्नल लोड भी लगा हुआ है आरएल, आरडी लगा हुआ था ड्रेन से लेके ग्राउंड तक, एक आरडी लगा हुआ है और एक आरएल भी लगा हुआ है, दिस वन, ये आरएल एक्सटर्नल लोड भी ले लिया, दिस द वी नॉट, ये एक्सटर्नल लोड नहीं होता तो फिर जो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आरडी वही फिर आपके पास लोड हो जाता। अभी आपका एक्सटर्नल लोड भी है तो आरडी पहला भी तो आरएल है। ये लेफ्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये गेट टर्मिनल, ये सोर्स टर्मिनल, और गेट टू सोर्स टर्मिनल जब आप लिखते हो ना तो ऐसा वीजीएस लिखते हो, और यहाँ पे गेट करंट इज ऑलवेज जीरो क्योंकि आइसोलेटेड होता है एक मॉस्फेट एम्पलीफायर में, और गेट टर्मिनल में एक सिग्नल अप्लाई करो, दिस इज द वीएन वीआईएन, और ये ऐसा अगर आपको कनेक्ट करना है कि ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, दिस द ग्राउंड, दिस वन, ये इक्विवेलेंट सर्किट होता है। इस फिगर में से आरएल हट सकता था अगर एक्सटर्नल लोड नहीं होता, तो मैं एक्सटर्नल लोड भी ले लिया और कैपिटल आरडी तो ले लिया आपके पास, और ये जो फिगर होता है एक मॉस्फेट को जब आप ऐसा ड्रॉ करते हो इक्विवेलेंट सर्किट वाइज, तो देखो ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, तो आप बोल भी सकते हो कि मॉस्फेट इज रिफर्ड एज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, जैसा जीएमवीजीएस। अब आपको क्लियर क्या क्या रहना चाहिए कि तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट हो गया और इनपुट ही जो ओपन सर्किट है, तो सबसे आसान क्या बात होती है जब भी आप बात करते हो ना कि इंटरनल इनपुट इंपेडेंस कितना होता है मॉस्फेट एम्पलीफायर का, इंटरनल इनपुट इंपेडेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट बिकॉज इंटरनल टर्मिनल इज ओपन सर्किटेड, गेट इज ओपन सर्किटेड। तो जब भी आप वोल्टेज गेट में अप्लाई करोगे दैट मीन केस ऑफ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, इन केस ऑफ कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, इनपुट इंपेडेंस विल बी इनफाइनाइट, तो इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट इंटरनल। अगर कोई एक्सटर्नल पूछता है तो वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट के साथ कुछ चीज पैरेलल में आप कनेक्ट कर दोगे तो फाइनाइट भी हो सकता है, इंटरनल इनपुट इंपेडेंस विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। मैं बोला कि ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इतना ही किसी को आना चाहिए एक इक्विवेलेंट वाइज। देखो आपके पास ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, जो वीजीएस होता है वो कंट्रोल करता है, जो ड्रेन करंट का जो स्टेटस होता है, ड्रेन करंट की जो वैल्यूज होती है उसको कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपके पास वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस करंट तो एक ही हमारे पास ड्रेन करंट, इज एक्चुअल करंट फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स, करंट फ्लो फ्रॉम द ड्रेन टू सोर्स। जो जीएम होता है, जीएम ट्रांसकंडक्टेंस, ये डिवाइस सेंसिटिविटी होता है, किसी भी डिवाइस का फिगर ऑफ मेरिट होता है जीएम। इसको हम डिफाइन करते हैं डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस से, जिधर डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस, जिधर जीएम ट्रांसकंडक्टेंस। तो हमको ये देखना होता है कि जीएम को हम कैसे, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी, तो जीएम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं जीएम की बात करूँ, इसको हटाता हूँ इतने सारे पोर्शन को, तो अगर मैं जीएम के बारे में बात कर रहा हूँ कि ट्रांसकंडक्टेंस को अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो जितना मेरे पास टाइम, एक बेसिक सा जो टाइम है मेरे पास, उसमें मैं जितना बता सकता हूँ क्लियर, क्योंकि नॉर्मली जब हम क्लास में डील करते हैं तो बहुत देर तक बात कर पाते, बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते, क्योंकि टाइम बहुत होता है क्लास में, बहुत सारे डिस्कशन की बात होती है। जब मैं क्लास में करता हूँ तो मैं बीजेटी बनाता हूँ पहले, उसके बाद मॉस्फेट बनाता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करता हूँ, फिर बीजेटी और मॉस्फेट की कंपेरिजन की बात करता हूँ कि देखो बीजेटी में ये है, मॉस्फेट में है, तो बहुत सारी बात हो जाती है क्योंकि क्लासरूम में टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है। बट अभी अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको मॉस्फेट एम्पलीफायर समझा सकूँ कि मॉस्फेट एम्पलीफायर को कैसे हैंडल करना है। तो मैं बोला कि देखो जीएम को अगर जब भी फाइंड आउट कर रहे हो तो आईडी का दो स्टाइल है, कुछ लोग आईडी को के एन
VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसमें KN बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े पहले डिफाइन कर रहा था। अगर मैं डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS बोल रहा हूँ कि चलो डिफरेंशिएट कर लेते, तो ट्वाइस ऑफ KN VGS माइनस VTH हो गया। VTH दैट मीन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दिस वन VTN भी लिखा रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता है VTH या VTN लिखा हुआ। ये GM का आंसर आ गया, द वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ MOSFET। बट अगर ID आपके पास ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रोसेस कंडक्शन पैरामीटर इज द KN बाई 2 VGS माइनस VTH का होल स्क्वायर। और अगर मैं GM फाइंड आउट कर रहा हूँ डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, तो बहुत सारे लोग ना इस चीज का केयर नहीं करते कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो अब 2 नहीं आएगा, KN इन टू VGS माइनस VTH आएगा। इसका मतलब है कुछ बुक वाले लोग 2 KN लिखे, कुछ बुक वाले 2 नहीं लिखे। इसका मतलब ये नहीं कि एक सही और एक गलत है, बोथ आर करेक्ट। सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि KN क्या डिफाइन कर रहे हैं, इनका KN अलग है, इनका KN अलग है। तो प्रोसेस ट्रांसकंडक्टर जो प्रोसेस कंडक्शन पैरामीटर होता है, जो KN है, इसका अपना स्टाइल होता है। तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि KN को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। IID का प्रोफेसर अगर आपको पूरा म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल की वैल्यू अगर लिख के दिखा रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ऐसी सिचुएशन कभी आ गई कि आपको कोई KN दिया है, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फॉर्मूले में KN बाई 2 पुट करूं कि KN पुट करूं। और एक बुक वाला लोग तो KN पुट करते हैं, एक बुक वाले KN बाई 2 पुट करते हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को क्या लेना है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे केसेस में तो थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि एक बुक के अकॉर्डिंग तो KN है, एक बुक के अकॉर्डिंग KN बाई 2 है, और कोई हमको सिर्फ KN की वैल्यू दिया और वो ये भी नहीं बताया कि KN की वैल्यू म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई 2L लेना है कि म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई 2L लेना है। तो ये तो मतलब एकदम सस्पेंस हो गया। तो फिर भी अगर दोनों केस में से अगर मेरे को लेना पड़े, अब एग्जाम में हूँ मैं, अब मैं किसकी हेल्प लूँ कि मेरे को क्या लेना है नहीं लेना है। तो दोनों केस में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, वैसे तो नहीं आना चाहिए, एक IID के प्रोफेसर को प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए, तो फिर उस केस में मैं ये वाला प्रीफर करूंगा। क्योंकि बहुत सारी बुक में और IID के प्रोफेसर, बहुत सारे लोग ऐसी वाली वैल्यू को लिखना पसंद करते हैं, के बाई टू, के एन इक्वल टू के बाई टू, फिर के को डिफाइन कर दिए, तो ऐसा लिखना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सही है, ये ज़्यादा बेटर सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मेरे को कभी चॉइस लेना पड़ा, वैसे तो ऐसी सिचुएशन आएगी तो मार्क्स टू ऑल भी मिल सकता है, क्योंकि आप अगर किसी को डिफाइन नहीं कर रहे हो तो फिर उस केस में तो 2 का जो फैक्टर है वो आंसर को चेंज कर सकता है। तो मेरे को अगर मेरे को सॉल्व करना पड़े तो मैं इसको प्रीफर कर लूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है और वो गलत है, बिल्कुल भी मतलब नहीं, बहुत और 100% करेक्ट। बट मैं इसको प्रीफर करूँगा क्योंकि जो जितना मैं देखा हूँ, जितने भी जो टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक है, और IIT के प्रोफेसर का जो स्टाइल होता है, कई बार KN बाई 2 पे ज़्यादा फोकस होता है, इसलिए बस। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, देखो ये तो GM के बारे में बात होगी, ट्रांसकंडक्टेंस। तो GM रिप्रेजेंट द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ MOSFET एम्पलीफायर। ये फिगर ऑफ मेरिट होता है किसी भी डिवाइस का। तो GM हमेशा ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप BJT पढ़ते हो तब भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट जो है पैरामीटर जो है वो GM है। जब आप MOSFET पढ़ते तब भी GM सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको एक एक टर्म पता होना चाहिए। देखो RD जो है, कैपिटल RD इज द ड्रेन रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि हम जैसे ही हम AC एनालिसिस करें तो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट किए, जैसे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया DC सप्लाई ग्राउंड हो गया, ध्यान देखते रहना, DC सप्लाई ग्राउंड हो गया, और देखो VDD आपके पास ग्राउंड हो गया, तो ड्रेन से ग्राउंड के बीच में RD है और ये नीचे ग्राउंड है, तो ड्रेन से ग्राउंड के बीच में RL है, तो दोनों ही ड्रेन से ग्राउंड के बीच में जब आप AC एनालिसिस कर रहे हो, इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, बिकॉज बोथ आर ड्रेन टू ग्राउंड, ड्रेन टू ग्राउंड, तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, इसलिए हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब आपके पास ध्यान से देखना चाहिए आपके पास कि जो KN की वैल्यू है, तो चलो GM की जो वैल्यू है, चलो आपको कोई KN प्रोवाइड कर दिया। VTH जो होता है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जो कि डेटा शीट में गिवन रहता है, हमेशा थ्रेशोल्ड वोल्टेज कोई भी आपको प्रोवाइड करेगा कि देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.4 वोल्ट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 1 वोल्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 2 वोल्ट, ऐसा कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा आपको। अब ये VGS कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, चांसेस बहुत कम है कि कोई VGS दे, तो फिर हम निकालेंगे कैसे? चलो KN दे दिया, VTH दे दिया और VGS आपको नहीं दिया, तो VGS कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि VGS बहुत इंपॉर्टेंट है, और VGS किस पे डिपेंड करेगा पता है आपके पास? DC एनालिसिस पे। इसका मतलब है आपको DC एनालिसिस करके गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जब आप DC एनालिसिस करोगे तो फिर AC सप्लाई ग्राउंडेड, कैपेसिटर ओपन सर्किटेड, और नॉर्मल सा इक्वेशन यूज करो फिर सेचुरेशन रीजन का, और फिर उसके बाद VGS की वैल्यू फाइंड आउट करो ड्रेन करंट की इक्वेशन को हेल्प लेके, और फिर गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर आपके पास निकल गया फ्रॉम द DC सोर्स, फ्रॉम द DC सर्किट, DC एनालिसिस, तो फिर VGS की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपको GM की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है जो GM है वो VGS पे डिपेंडेंट है, और VGS जो है वो DC एनालिसिस पे डिपेंडेंट है, ये कैपिटल VGS, और जो GM है वो VGS पे डिपेंडेंट है, VGS जो है वो DC एनालिसिस पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि AC पैरामीटर जो GM है ट्रांसकंडक्टेंस, वो फंक्शन ऑफ DC एनालिसिस है, वो DC एनालिसिस पे डिपेंडेंट होगा, फिर GM निकलेगा और फिर आप ट्रांसकंडक्टेंस की बात कर पाओगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करना पड़ता है, और बिल्कुल टफ नहीं है, मतलब अगर मैं एक बार देख रहा हूँ
तो मेरे को लग सकता है थोड़ा सा टफ, कितनी सारी चीज़ करना पड़ता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये सब कुछ टफ नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है, इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ कि ठीक है, एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना हुआ, इसी को हमने को हैंडल करना है, कुछ याद नहीं करना आपको। अगर आप चाहते हो कि मेरे को कुछ याद ही नहीं करना, तो बस आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, जो वो पूछेंगे निकाल दो। अब मैं जीएम के बारे में बात कर लिया, जितनी बात करना था कि ये डीसी एनालिसिस पे डिपेंडेंट है। देखो जो आर नॉट होता है, आर नॉट ना इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर होता है। आर नॉट की वैल्यू अगर मैं बोलूं कि आर नॉट क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं कि आर नॉट क्या होता है, तो आर नॉट की वैल्यू ना 1/λID होता है, द 1/λID आर नॉट, वेयर लैम्डा इक्वल टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। क्या बोला मैं, लैम्डा इक्वल टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर। इसका मतलब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन जो कंसेप्ट होता है एक मॉस्फेट का, जब आप ईडीसी पढ़ते हो, एम्पलीफायर की बात तो नहीं है, जब आप ईडीसी पढ़ते हो तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट हमको एम्पलीफायर में नीड नहीं होती, अपने पास यहाँ पे क्या है कि लैम्डा रिप्रेजेंट द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, डेटा शीट में गिवन होता है, इसका तो अपने को निकालना नहीं होता है। इसका मतलब है कि कल कोई लैम्डा की वैल्यू आपको 0.1 पुट कर देगा, इसका जो यूनिट है वोल्ट इनवर्स है, द 0.1 वोल्ट इनवर्स। कल कोई लैम्डा बोल देगा कि आपके पास 0.5 वोल्ट इनवर्स है, तो हम लैम्डा को यूज कर लेंगे। और लैम्डा को अगर मैं यूज करूंगा, जब भी लैम्डा गिवन होगा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, तो फिर मेरे को आईडी चाहिए, ड्रेन करंट। फिर आईडी क्या होगा, आईडी जो होगा वो डीसी एनालिसिस पे डिपेंड कर जाएगा। फिर मेरे को डीसी एनालिसिस करना होगा और मेरे को कैपिटल आईडी निकालना होगा और उसके बाद आर नॉट निकलेगा। इसका मतलब है ये जो एसी पैरामीटर है, इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉस्फेट एम्पलीफायर, ये डीसी एनालिसिस पे तो डिपेंड कर गया, ये डीसी एनालिसिस पे डिपेंड कर गया। स्मॉल आर नॉट भी डीसी एनालिसिस पे डिपेंड करता है, जीएम भी डीसी एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो आपको ना स्मॉल आर नॉट को अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए। कभी कभी लोग एग्जाम में आर नॉट आपको दे देते कि 100 किलो, तब तो आपका काम ही हो गया, तब तो आप के लिए ये बहुत ही गुड बात हो गई कि आपको कोई स्मॉल आर नॉट दे दिया। अब अगर कोई स्मॉल आर नॉट दे दिया तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना डिस्कशन। तो आजकल एग्जाम में ना चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर जो है लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो लिख देते हैं। अगर कोई लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो लिख दे रहा है, इसका मतलब है कि आर नॉट भी एग्जिस्ट करेगा। तो जब जब क्वेश्चन में आजकल जब क्वेश्चन में लिखा रहता है लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आर नॉट, जो आर नॉट की जो वैल्यू होती है आपके पास, इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, एक फाइनाइट वैल्यू होगा जिसको आपको यूज करना होगा। बट सपोज करो क्वेश्चन में लिखा है कि नेग्लेक्ट द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, या लैम्डा इक्वल टू जीरो लिखा है, तो फिर तो ये बहुत आसान बात होगी। आप तो चाहते हो कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर गिवन ही ना हो। ऐसा जब भी आपके पास नेग्लेक्ट द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर लिखा होगा, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो पैरामीटर है गायब हो गया यहाँ से। तो जब भी लैम्डा जीरो होगा, आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, और आर नॉट इनफाइनाइट हो जाएगा तो आप ओपन कर दोगे, और जब ये ओपन हो जाएगा तो इज वेरी सिंपल। लेकिन अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि जब ये आर नॉट हट जाता है तो बहुत आसान हो जाता है एक मॉस्फेट एम्पलीफायर को बेसिक वाइज देखना, डेरिवेशन वाइज देखना, इज वेरी सिंपल। तो आजकल ना आर नॉट को फाइनाइट लेना पसंद करते हैं। आईटी का प्रोफेसर हमेशा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर बोल देता है कि आप यूज कर लो लैम्डा की वैल्यू, तो आर नॉट की वैल्यू हो जाएगा, या फिर कोई आर नॉट फाइनाइट दे दिए तो अगेन गुड। तो हमको केयर करना होता है बस दो ही चीज़ों का जब भी आप मॉस्फेट एम्पलीफायर हैंडल करते हो। अगर आप जीएम के बारे में जानते हो, और अगर आप जीएम को ज़्यादा जानते हो, इसका मतलब आप एडीसी का भी काम हो गया, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ते हो तो जीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में तो आता ही है जीएम। तो जीएम के बारे में अच्छे से जानना इंपॉर्टेंट है। जब आप ईडीसी पढ़ते हो तो आप डिफरेंट रीजन पढ़ते हो कि लीनियर रीजन क्या है, सेचुरेशन रीजन क्या है, या फिर मेरा सीमॉस इन्वर्टर का अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वहां पे मैं डिफरेंट रीजन में जीएम डिफाइन किया हूं। लीनियर रीजन क्या होता है आपके पास, ट्रायोड जो रीजन होता है, सेचुरेशन रीजन होता है, डीपली लीनियर रीजन, मैं बहुत अच्छे से बात किया हूं। अगर उस सीमॉस इन्वर्टर की वीडियो को देखोगे, डिफरेंट रीजन की बात किया हूं। तो सीमॉस का मैं वीडियो इसलिए बनाया था कि उसमें ना एनमॉस भी कवर हो गया और पीमॉस भी कवर हो गया, और बहुत ही डिटेलिंग फॉर्म में मैं कवर किया। वो डीसी का पार्ट है, गुड कंसेप्ट ऑफ डीसी। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एम्पलीफायर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जीएम पता होना चाहिए और आपको आर नॉट पता होना चाहिए। ऊपर से हमको पता है कि एक मॉस्फेट जो डिवाइस होता है वो सेचुरेशन रीजन में ही एम्पलीफायर के समान बिहेव करता है। अगर ये बीजेटी होता तो बीजेटी ना एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर के समान बिहेव करता है। अभी अपन ये डिस्कशन नहीं कर सकते कि एक सेचुरेशन रीजन में क्यों एम्पलीफायर के समान बिहेव करता होगा, या बीजेटी एक्टिव रीजन में ही क्यों एम्पलीफायर के समान बिहेव करता होगा, वो एक अपना डिस्कशन है, क्लियर। लेकिन जब आप मॉस्फेट एम्पलीफायर पर सिर्फ फोकस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मॉस्फेट जो डिवाइस है वो सेचुरेशन में होना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन फ्रेम होता है मॉस्फेट एम्पलीफायर का, तो हमेशा वो लोग डिवाइस सेचुरेशन रीजन में मेंटेन करते हैं। तो आप एम्पलीफायर पढ़ते समय आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मॉस्फेट है ये सेचुरेशन में है या नहीं है, बट फिर भी बेसिक तो आइडिया होना चाहिए कि जो VDS की वैल्यू है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वो ओवर ड्राइव वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, इट्स वेरी बेसिक।
अभी आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि सैचुरेशन रीजन में मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन कैसे मिलता होगा या बीजेटी में एक्टिव रीजन में मैक्सिमम एम्पलीफिकेशन कैसे मिलता होगा। क्यों हम बीजेटी को एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर के समान यूज कर पाते हैं? बीजेटी को अगर सैचुरेशन रीजन यूज करते होंगे तो वो एम्पलीफायर के समान क्यों बिहेव नहीं करता होगा? ये बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन वो अपना एक अलग से कंसेप्ट है कि अगर आपको किसी को थ्योरेटिकल बात करना है तो पूरा फिर मस्त डिस्कशन हो सकता है, तो वो आपका पार्ट होना चाहिए, आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। मेरा भी मेन फोकस है कि मैं मॉस्फेट एम्पलीफायर के बारे में आपसे अच्छे से बात कर सकूं, तो मैं बोला कि आपको जीएम का आइडिया होना चाहिए और आपको स्मॉल आर नॉट का आइडिया होना चाहिए। दो ही पैरामीटर्स है बस आपके पास, ओनली टू पैरामीटर्स। इन टू पैरामीटर्स की हेल्प से आप एक मॉस्फेट एम्पलीफायर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मैं पहला मॉस्फेट एम्पलीफायर ले रहा हूँ, इज द कॉमन सोर्स विदाउट आरएस मॉस्फेट एम्पलीफायर, जिसमें सोर्स रेजिस्टेंस नहीं है या फिर बाईपास कैपेसिटर लगा है तो वो भी जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किटेड हो चुका है फॉर एसी एनालिसिस। अब मैं क्या करूंगा, इसी फिगर का बनाया वो इक्विवेलेंट सर्किट, इसी फिगर में मैं क्या करता हूं कि मैं क्या क्या कैलकुलेशन का पार्ट हो सकता है उसकी बात कर देता हूं कि क्या क्या चीज कोई पूछ सकता है आपसे, क्या कैलकुलेशन करवा सकता है। तो एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या करोगे, और आपको रिजल्ट याद नहीं रखना। सपोज करो आपको बस मॉस्फेट एम्पलीफायर का एग्जाम का क्वेश्चन बनाना है और आपको जीरो रिजल्ट याद रखना है, आप नहीं चाहते कि आपके माइंड में बहुत प्रेशर हो, आप चाहते हो कि भाई बस क्वेश्चन आएगा और अपन सॉल्व कर लेंगे, तो फिर मेरे पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूं थोड़ी देर के अंदर। तो जस्ट मैं इसको जस्ट रिमूव करता हूं और फिर मैं इनपुट इम्पीडेंस की बात कर देता हूं, आउटपुट इम्पीडेंस की बात कर देता हूं, वोल्टेज गेन की बात कर देता हूं कि ऐसी जगह में कोई आपसे क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। फिर मैं तो अब देखते हैं अपन कि इसमें क्या क्या मैसेज पूछा जा सकता है। मैं बोल रहा हूं कि दोनों फिगर सेम है, एक विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीफायर एनालिसिस और एसी एनालिसिस। अब अगर कोई मैं से पूछ ले कि इस जगह पे आप इनपुट इम्पीडेंस का आंसर बताओ इस जगह या इस जगह पे, तो इनपुट इम्पीडेंस का आंसर इनफाइनाइट होगा ही, क्योंकि जो गेट होता है आपके पास वो ये, तो मॉस्फेट में हमको पता ही है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, तो गेट वाला जो टर्मिनल होगा वहाँ पे करंट हमेशा जीरो होगा, और करंट अगर जीरो है तो हमारा जो गेट टर्मिनल होता है वो ओपन सर्किटेड होता है हमेशा। इसका मतलब आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट, अगर ये फिगर दिया तो आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट। बट अगर आपको कुछ चेंजेस कर दे, मतलब कैसा चेंजेस कर दे, अगर आपको बोल दिया जाए कि ये तो अभी इनफाइनाइट हो गया, बट अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि हमारे पास यहाँ पे एक बाइसिंग रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, दिस वन, ये देखो बाइसिंग रेजिस्टेंस एक आर लगा है, या फिर एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी लगा दिया गया हो कि R1 और R2 लगाया गया, तो देखो अभी R है। अब इसे होगा क्या कि गेट टर्मिनल पे अगर मैं बात कर दूं कि देखो यहाँ से हमारे पास अगर ये ड्रेन सप्लाई आपके पास लगा हुआ इस जगह पे, गेट से आपके पास ड्रेन पे ये आपके पास R लगा है, अगर मैं AC एनालिसिस कर रहा हूँ तो DC सप्लाई ग्राउंडेड, तो VDD ग्राउंड हो जाएगा, VDD ग्राउंड हो जाएगा तो गेट से ग्राउंड के बीच में R लगा होगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इस जगह पे आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट है, इस जगह पे आ रहे की वैल्यू इन्फाइनाइट है, नो प्रॉब्लम। अब आ रहे की वैल्यू इन्फाइनाइट थी, अब आपको पता चल गया कि डीसी सप्लाई ग्राउंड करते तो वीडीडी ग्राउंड हो गया, और वीडीडी ग्राउंड हो गया तो ये रेजिस्टेंस ना यहाँ पे आ गया, और जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आया इस जगह पे आर, और जब आप इस जगह से सीन कर रहे हैं तो इन्फाइनाइट पैरेलल विद आर आ गया, और इन्फाइनाइट पैरेलल विद आर तो आंसर विल बी आर। इसका मतलब जब कोई एक्सटर्नल बायसिंग रेजिस्टेंस लगा होगा, जैसे इस जगह पे मैं बोल दूं, सपोज देखो वोल्टेज डिवाइडर सर्किटरी यूज कर रहे हो R1 और R2, दिस वन इज द वोल्टेज डिवाइडर सर्किटरी आप यूज कर रहे हो R1 R2, और आपको बोला गया कि चलो यहाँ से आप इनपुट इम्पीडेंस बता दो, थोड़ी आप इन्फाइनाइट बोल दोगे। भाई हमको पता है कि इस जगह का इम्पीडेंस जो होगा, जो इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस होगा RIN लिख देता हूँ, तो इन्फाइनाइट है, तो सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन R1 और जो R2 है वो पैरेलल है RIN के साथ, तो आंसर क्या हो गया, R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल विद RIN, तो इन्फाइनाइट पैरेलल विद R1 पैरेलल विद R2, तो आंसर विल बी R1 पैरेलल विद R2। तो हमको क्लियर होना चाहिए कि कोई इनपुट इम्पीडेंस अगर मॉस्फेट का पूछ रहा है तो इंटरनल इनपुट इम्पीडेंस विल बी इनफाइनाइट, और अगर कोई एक्सटर्नल पूछ रहा है बायसिंग रेजिस्टेंस लगा है, तो ऐसा नहीं कि अपन इनफाइनाइट बोल दे रहे, क्योंकि ऑप्शन में वो लोग इनफाइनाइट लिख के रखते हैं कि इनफाइनाइट होगा, उनको लगता है कि लोगों को फीलिंग है कई बार कि बिना सोचे समझे इनफाइनाइट बोलना, तो हम ध्यान रखें कि बिना सोचे समझे इनफाइनाइट नहीं बोलना है। अगर कोई एक्सटर्नल बायसिंग रेजिस्टेंस नहीं लगा है तब तो कोई रोक ही नहीं सकता, तब तो इनफाइनाइट आएगा, बट अगर एक्सटर्नल बायसिंग रेजिस्टेंस लगा है और हमारी सीन की पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सपोज करो ये बायसिंग रेजिस्टेंस R1 R2 लगा है और मेरे से कोई बोल रहा है बताओ इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा इस जगह से, तो भाई R1 R2 तो इंक्लूड ही नहीं, वो मैं तो इस जगह पे खड़ा हूँ, तो अगर कोई मेरे से इस जगह पे पूछ रहा है तो ये जबरदस्ती पैरेलल नहीं होना चाहिए, आंसर विल बी इनफाइनाइट। इसका मतलब जब भी कोई इंपीडेंस की बात करता है इधर इनपुट और आउटपुट, तो एरो का जो पोजिशन होता है, वो इक्विवेलेंट इंपीडेंस होता है उस टर्मिनल पे। इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस टर्मिनल पे आप बात कर रहे हो उस टर्मिनल का इंपीडेंस आपको बताना है, ऐसा ना हो कि मैं इस जगह पे पूछ रहा हूँ और आप बोल रहे R1 पैरेलल विद R2,
मैं पता चला इस जगह पे पूछ रहा हूँ और आप बोल रहे हो इन्फाइनाइट, तो दोनों दोनों तरीके से गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि आंसर इन्फाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि किस जगह पे आपको इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। तो पोजिशन ऑफ एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एम्पलीफायर। जब भी आप बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ते हो या जेफेट एम्पलीफायर पढ़ते हो या मॉसफेट एम्पलीफायर पढ़ते हो, पोजिशन ऑफ एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। ये आपको आइडिया होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो इम्पीडेंस सबसे आसान चीज है, एक मॉसफेट एम्पलीफायर में सबसे आसान कैलकुलेशन फॉर इम्पीडेंस है, या तो इन्फाइनाइट होगा इंटरनल, और या एक्सटर्नल की बात होगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो इनपुट इम्पीडेंस की बात कर दी अपन। अब अगर मेरे को यहां से बात करना है, अगर मेरे को आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में अगर मेरे को बात करना है कि आउटपुट इम्पीडेंस कितना होगा इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस, तो इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं पता आपके पास? ये देखो VDC लगा है, जब मैं इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस निकालना, देखो IDC हो गया, तो ड्रेन करंट इक्वल टू DC करंट, और आउटपुट इम्पीडेंस ना RThevenin होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो RThevenin होता है, VDC अपन IDC विद इंडिपेंडेंट सोर्स इक्वल टू 0, तो V इनपुट इक्वल टू 0। देखो इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस मेरे को फाइंड आउट करना है जगह से, इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस। और जब भी हम इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं, हमेशा हमारा जो इंडिपेंडेंट सोर्स होता है 0, इज द V इनपुट इक्वल टू 0, तो V इनपुट की वैल्यू 0। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जब भी हम आउटपुट इम्पीडेंस निकालते हैं लोग थेवेनिन इम्पीडेंस बोलते हैं, जब भी हम इनपुट इम्पीडेंस निकालते तब तो कोई नहीं बोलता थेवेनिन इम्पीडेंस, तो ऐसा क्यों कि आउटपुट इम्पीडेंस थेवेनिन इम्पीडेंस होगा बट इनपुट इम्पीडेंस थेवेनिन इम्पीडेंस नहीं होगा, ऐसा क्यों? तो लोगों को रीजनिंग ही नहीं पता कि आउटपुट इम्पीडेंस थेवेनिन इम्पीडेंस। अरे हर इम्पीडेंस किसी भी पॉइंट पे उसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है, किसी भी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को आप थेवेनिन इम्पीडेंस बोल सकते हो। इसका मतलब है कि इनपुट इम्पीडेंस को भी थेवेनिन इम्पीडेंस बोला जा सकता है, लेकिन कोई बोलता क्यों नहीं? इसलिए नहीं बोलता क्योंकि जब आप इनपुट इम्पीडेंस की बात करते हो ना इस जगह पे खड़े होकर, तो राइट साइड में ना कोई DC सोर्स, तो आपके कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा है, तो जब आप इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हो तो किसी को जीरो करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे आप यहां पे हो, आपका जो पोजीशन है, इस जगह के सामने कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। लेकिन जब आप आउटपुट इम्पीडेंस की बात करते हो तो हमारे सामने इंडिपेंडेंट सोर्स है V इनपुट। अब तो मजबूरी है कि हमको इक्विवेलेंट इंपेडेंस थेवेनिन इंपेडेंस बोलना पड़ेगा। अगर मैं V इनपुट को 0 ना पुट करूं तो कभी इस जगह का इक्विवेलेंट इंपेडेंस कोई निकाल ही नहीं पाएगा। किसी को बोलूं कि चलो V इनपुट को 0 मत पुट करना, बताओ कितना होगा? नॉट पॉसिबल, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उस जगह पे खड़े थे इनपुट इंपेडेंस निकालते समय, तो राइट साइड में कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं था, इसलिए इनपुट इंपेडेंस को थेवेनिन इंपेडेंस लिखता कोई नहीं है, अदरवाइज वो भी थेवेनिन इंपेडेंस था बट कोई लिखता नहीं है। ओके, ठीक, चलो अब आरटीएस की वैल्यू VDC मान IDC व्हेन V इनपुट इक्वल टू 0। अब अगर सोचो कि V इनपुट की वैल्यू अगर 0 हो गई, ये V इनपुट की वैल्यू अगर 0 हो गया तो इनपुट वोल्टेज 0 तो VGS भी 0 हो गया, इनपुट वोल्टेज 0 तो VGS भी 0 हो गया, और अगर VGS 0 हो गया तो फिर तो GMVGS भी 0 हो गया, और GMVGS 0 हो गया तो करंट सोर्स का 0 होना मतलब ओपन सर्किट होना, और अगर ये करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया तो बचा क्या इस जगह से? ये तो करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया, तो इस जगह से क्या बचा? R0 VDC इक्वल टू IDC इनटू R0, यहाँ तो करंट 0 है तो ड्रेन करंट IDC करंट बन गया जो R0 से फ्लो हो रहा है, तो कितना आंसर दिख रहा है आपको? स्मॉल R0। इसका मतलब है कॉमन सोर्स विदाउट RS MOSFET एम्पलीफायर का इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वही जो स्मॉल R0 डिफाइन करते हैं, जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर पर डिपेंड करता है वही होता है R0। तो RTH और आउटपुट इंपेडेंस, इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस विल बी R0। हाँ, लेकिन कोई अगर यहां से पूछ ले कि बताओ इस जगह पे टोटल आउटपुट इंपेडेंस क्या होगा, तो टोटल आउटपुट इंपेडेंस की जगह पे क्या होगा, तो RD भी आएगा, पैरेलल विद RL भी आएगा क्योंकि एक्सटर्नल लोड लिया हूं, और ये स्मॉल R0 भी आ गया, स्मॉल R0 भी आ गया। तो हमको हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि कोई जिस जगह पे पूछ रहा है उसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस जगह पे अगर मेरे को फाइंड आउट करना है इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस, मेरे को अगर फाइंड आउट करना है या मेरे को टोटल आउटपुट इंपेडेंस फाइंड आउट करना है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किस पोजीशन पे फाइंड आउट कर रहा हूं। तो इंटरनल आउटपुट इंपेडेंस विल बी जो था स्मॉल R0 था, टोटल आउटपुट इंपेडेंस विल बी तो स्मॉल R0 कैपिटल RD पैरेलल विद कैपिटल RL। मैं एक्चुअली जनरलाइज इसलिए लेता हूं कि कल एग्जाम में कैपिटल RL हो सकता है, कल एग्जाम में हो सकता है कैपिटल RL ना हो, तो अपने को तो जनरलाइज पता होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। तो आउटपुट इंपेडेंस निकालना चाहे इंटरनल चाहे टोटल, एक कॉमन सोर्स विदाउट RS MOSFET एम्पलीफायर में इज वेरी सिंपल, बिकॉज इनपुट वोल्टेज इक्वल टू 0। जब भी आप इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 पुट करते हो तो ये V इनपुट ही VGS है इस फिगर में, तो VGS इक्वल टू 0, VGS 0 मतलब GMVGS 0, GMVGS एक करेंट सोर्स था तो करेंट सोर्स इज 0, करेंट सोर्स इज 0 दैट मीन द ओपन सर्किटेड, वेरी सिंपल। तो फिर तो आ गया आराम से आंसर ही आ गया R0। ठीक है, चलो, तो ये हुआ आपके पास आउटपुट इंपेडेंस के बारे में। नॉर्मली करंट गेन के बारे में कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता है, एक कॉमन सोर्स
मॉस्फेट एम्पलीफायर में, बिकॉज इनपुट करंट इक्वल टू जीरो, तो कोई करंट गेन की कैसे बात करेगा? आपके पास जो सिग्नल है इनपुट में वो तो ओपन सर्किटेड टर्मिनल है, इसलिए आपको एक कॉमन सोर्स मॉस्फेट एम्पलीफायर या कॉमन ड्रेन मॉस्फेट एम्पलीफायर में, क्योंकि गेट हमारा इनपुट सिग्नल में, इनपुट सिग्नल गेट में अप्लाई किया और गेट हमारा जो है उसमें ओपन सर्किटेड टर्मिनल है गेट, तो वहां पे करंट जीरो, इसलिए कोई करंट गेन की बात नहीं करता। तो बात किस किस की होती है? एक इनपुट इंपेडेंस की जो मैं बात कर लिया, एक आउटपुट इंपेडेंस की होती है जो मैं बात कर लिया, बचा क्या? बचा है वोल्टेज गेन, जो सबसे ज्यादा ज्यादा टाइम तक एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम एक वोल्टेज गेन के बारे में कोई भी बात करना पसंद करता है। तो इसका मतलब है कि इस फिगर में अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को वी नॉट अपॉन वी आई एन निकालना है, इधर वोल्टेज गेन अगर मेरे को फाइंड आउट करने को बोला जाए कि वी नॉट अपॉन वी आई एन फाइंड आउट करना है, वोल्टेज गेन ए वी, वी नॉट अपॉन वी आई एन, ये नॉर्मली यहां पे ना वोल्टेज डिवाइडर रूल इसलिए पॉसिबल नहीं होता है, आरएस इसलिए नहीं बना होता है, किसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को इसलिए नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि आरएस में तो करंट जीरो फ्लो हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे अगर होगा तो यहां पे करंट जीरो तो कोई यूज नहीं होगा। इसका मतलब आइडियल वोल्टेज सोर्स ही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, क्लियर? जब भी आप गेट में इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इसलिए आपको एक ही वोल्टेज गेन निकालना रहता है, वी नॉट अपॉन वी आई एन। तो देखो वी नॉट अपॉन वी आई एन निकालना है तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं कि वी नॉट अपॉन वी आई एन क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं बोलूं कि चलो आप आउटपुट में ना नोड लगाओ, बस कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही बहुत सिंपल है। अगर मेरे को बोला जाए कि आउटपुट में नोड लगाओ केसीएल इक्वेशन, तो मॉस्फेट एम्पलीफायर आपको अगर हैंडल करना है तो आपको थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, आपको नोड इक्वेशन अप्लाई करते आना चाहिए। देखो मैं आउटपुट में अगर नोड अप्लाई करूं तो वी नॉट बाई कैपिटल आर डी आ गया एक ब्रांच करंट, सेकेंड ब्रांच करंट आ गया वी नॉट बाई आर एल, थर्ड आ गया वी नॉट बाई स्मॉल आर नॉट, क्योंकि नीचे ग्राउंड है ऊपर वी नॉट है, तो वी नॉट और ग्राउंड के इसमें आर नॉट है, और एक आ गया जी एम वी जी एस। देखो जी एम वी जी एस आ गया इज इक्वल टू जीरो, फोर ब्रांच हो गया। हाँ किसी को लग सकता है कि सर आईडी नहीं आया, किसी को लग सकता है कि आईडी नहीं आया, तो आईडी क्यों आएगा, चार ही तो ब्रांच है, इस जगह पे भी वी नॉट, 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 तो सभी तो पैरेलल स्ट्रक्चर है, तो आपको ड्रेन करंट की नीड ही नहीं है, जबरदस्ती नहीं आता। कोई भी करंट और वोल्टेज का जो इक्वेशन है बहुत ही प्रॉपरली लिखा जाता है। और अगर आपको ये डाउट है कि ड्रेन करंट क्यों नहीं आया, इसका मतलब है कि फिर तो आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नेटवर्क का आइडिया ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको नोड इक्वेशन का आइडिया नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको केसीएल अप्लाई नहीं करते आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है। तो मैं बोलूंगा किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ड्रेन करंट क्यों नहीं दिख रहा है, चार ब्रांचेस है तो चार टर्म लिख दिया मैं, देखो। और एक्चुअली ये जो दोनों का एडिशन है, इन दोनों का जो एडिशन है वही तो आईडी था, लास्ट के जो दो टर्म का एडिशन है वही तो ड्रेन करंट था, तो दो बार कैसे लिख देंगे, दोनों टर्म भी लिख दिए फिर आईडी भी लिख दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इस फिगर में क्या इंटरेस्टिंग चीज है, इस फिगर में ना गेट से लेके ग्राउंड के बीच में इनपुट वोल्टेज वी इनपुट है, और गेट टू सोर्स के बीच में वीजीएस है, और सोर्स से ग्राउंड है। इसका मतलब है इस फिगर में जो कॉमन सोर्स विदाउट आरएस होता है, वी इनपुट ही वीजीएस होता है, तो आप वी इनपुट को वीजीएस कर सकते हो, वी नॉट की वैल्यू को कैपिटल आरडी, वन बाई आरडी, वन बाई आरएल, और ये तो सबका पैरेलल हो गया, देखो वन अपन आर नॉट, ये देखो सबका पैरेलल हो गया, और ये आ गया माइनस जीएमवी इनपुट। अगर मैं बोलूं कि देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्यों ना इसको आरएल डेस लिख दूं, क्यों ना इसको आरएल डेस लिख दूं, कैपिटल आर डी पैरेलल विद कैपिटल आरएल पैरेलल विद आर नॉट, और देखो ये आंसर आ गया माइनस जीएमवी इनपुट। तो आंसर आ गया वोल्टेज गेन का आंसर, कितना आंसर देखो माइनस जीएम आरएल डेस, वेयर आरएल डेस इक्वल टू क्या, वेयर आरएल डेस इक्वल टू कैपिटल आर डी पैरेलल विद स्मॉल आर नॉट पैरेलल विद एक्सटर्नल लोड। अगर एक्सटर्नल लोड ना हो तो फिर कैपिटल आर डी पैरेलल विद स्मॉल आर नॉट तो आएगा। अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर ये भी सपोज करो गिवन नहीं है तो फिर आर एल डी एस की वैल्यू कैपिटल आर डी आ जाएगा। तो जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल लोड अगर गिवन नहीं है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो एक्सटर्नल लोड ना गिवन होना मतलब इन्फाइनाइट होना, तो उस केस में लोड इंपेडेंस की वैल्यू होगा कैपिटल आर डी पैरेलल विद स्मॉल आर नॉट। अगर मैं बात करूं कि चलो लैम्डा की वैल्यू भी गिवन नहीं, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर इज नेग्लेक्टेड, तो लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो आर नॉट की वैल्यू कितना इन्फाइनाइट, और आर नॉट की वैल्यू इन्फाइनाइट तो लोड इंपेडेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा कैपिटल आर डी। तो इतनी पॉसिबिलिटी है, सबसे आसान पॉसिबिलिटी कैपिटल आर डी का होना, दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल आर डी पैरेलल विद स्मॉल आर नॉट का होना, तीसरी पॉसिबिलिटी एक्सटर्नल लोड का भी होना। तो हमको क्या फर्क पड़ता है, कोई भी लोड का फॉर्म हो, क्वेश्चन जब भी फ्रेम होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो बहुत सारा याद नहीं कर सकते, बहुत कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो वोल्टेज गेन का आंसर माइनस जी एम आर एल डेस होता है, और आर एल डेस में सब इंक्लूडेड है, जो चीज़ होगी वो ले लेंगे, अगर जो चीज़ नहीं होगी वो इग्नोर हो जाएगा। तो माइनस जी एम इंटू आर एल डेस इज द वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन सोर्स विदाउट आर एस मॉस्फेट एम्पलीफायर का, ये हुआ वोल्टेज गेन। करंट गेन की बात कर नहीं सकते बिकॉज जो हमारा इनपुट है
वो ओपन सर्किट है गेट टर्मिनल, तो थ्री टर्म्स है। तो कल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो अपन हैंडल कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपको अगर ये बेसिक आइडिया है कि माइनस जी एम आर एल डी एस होता है, जी एम जो है ट्रांसकंडक्टेंस है, जी एम की वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है आपके पास कि वी जी एस माइनस वी टी एच कितना है, ट्रांसकंडक्टेंस या प्रोसेस कंडक्शन पैरामीटर कितना है, इस सब पर भी डिपेंड करता है जी एम। तो देखेंगे कि अगर एग्जाम में कोई जी एम दे दिया तब तो बहुत ही ईजी हो गया, सिर्फ जी एम यूज कर लो, आर एल डी एस आपको पता होना चाहिए और आंसर आ गया। तो क्वेश्चन फ्रेम करने वाले पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना आसान बनाना चाहता है, कितना टफ बनाना चाहता है। वैसे तो मैं कम वेट में 5 क्वेश्चन आपको दिया हूं, तो आपको देखना होगा कि आप कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ये आपको दिखा कि ये मैं पहला वाला मॉस्फेट एम्पलीफायर कवर किया बेसिक आइडियाज के साथ कि आपको इनपुट इम्पीडेंस पता होना चाहिए, आपको आउटपुट इम्पीडेंस पता होना चाहिए, आपको वोल्टेज गेन पता होना चाहिए। तो ये मॉस्फेट एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन था जिसमें कि मैं कॉमन सोर्स विदाउट आर एस मॉस्फेट एम्पलीफायर कवर किया। अगला मैं मॉस्फेट एम्पलीफायर आपके लिए कवर कर देता हूं कॉमन सोर्स विथ आर एस मॉस्फेट एम्पलीफायर, कि अगर सोर्स से ग्राउंड के बीच में अगर सोर्स रेजिस्टेंस होगा उस केस में क्या चेंजेस होंगे और क्या आपको पता होना चाहिए और कैसे आप हैंडल करोगे। तो अगला मेरा डिस्कशन कॉमन सोर्स मॉस्फेट एम्पलीफायर को मैं डिस्कशन कर देता हूँ विथ आर एस के साथ, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको मजा आ रहा होगा, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको पूरा चीज़ क्लियर है कि नहीं है, आपको हर एक पॉइंट पे कोई डाउट तो नहीं है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत इजीली आपको क्लियर कर सकूँ। और आपको लग रहा है ना कि बहुत आसान है, ऐसा तो नहीं कि आप सोच पा रहे हो कि मॉस्फेट एम्पलीफायर इज वेरी टफ, नहीं, कुछ टफ नहीं होता है, बस आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों का केयर करना होता है, तो फिर बिल्कुल टफ नहीं होता है, इजीली हैंडल किया जा सकता है। सिर्फ आप इक्विवेलेंट सर्किट का केयर करो, आप जीएम का केयर करो, आप आर नॉट का केयर करो, तो फिर इजीली मॉस्फेट एम्पलीफायर भी हैंडल किया जा सकता है, चाहे कितना ही रैंडम स्ट्रक्चर हो, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपके पास कॉमन सोर्स विथ आर एस मॉस्फेट एम्पलीफायर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। बस मेरी पूरी एक एक बात ध्यान से सुनना है, अपने नोट्स बनाना है, प्रॉपर वे में केयर करना है और अच्छा अटेम्प्ट करना है कि मॉस्फेट एम्पलीफायर अपन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करता हूं कि आप कितना आपको मजा आया या कितने अच्छे फॉर्म में आपको क्लियर है, देखते हैं आप कितने अच्छे से कनेक्टेड हो पा रहे हैं और आपको लग रहा है ना कि आपसे बनेगा नहीं बनेगा, तो देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।